सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12, रिजल्ट का नाम सुनते ही बच्चे ऐसा कहते हैं कि अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, रिजल्ट के बारे में कुछ सुनना भी नहीं है। लेकिन सीबीएसई आपको कहां इसमें दूर रखने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, महज कल या परसों मैंने आप सबको अपडेट दिया था कि अब जो जैसा कि समय निकल चुका है और आपके टर्म 1 के रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं है और रिजल्ट आएगा भी नहीं। और स्टेटमेंट जो आई थी आप लोगों के लिए खुद आपके सीबीएसई स्पोक पर्सन रामा शर्मा जी की तरफ से कि अब हम लोग जो है जॉइंटली रिजल्ट देंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2 का मिलाकर फाइनल रिजल्ट हम देंगे। बट साथ ही साथ सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी बात भी कही थी कि अगर रहते हुए हमारा इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, वक्त रहते हुए अगर हमारा इवोल्यूशन पूरा हो जाएगा तो बच्चे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं टर्म 1 रिजल्ट का इन द स्टार्टिंग ऑफ मंथ मार्च। जैसा कि स्टार्टिंग मंथ चल रहा है मार्च का और इसमें जो सीबीएसई कहलाती है ट्विस्ट एंड टर्न वाली बोर्ड, उसने एक फिर से ट्विस्ट करने का और एक टर्न करने का निर्णय लिया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं। यहां पे अब कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर कॉम्बिनेशन रिजल्ट वाली रिपोर्ट को डिसमिस किया गया है क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए रामा शर्मा मैम का सीबीएसई ऑफिशियल्स द्वारा दो बातें कही गई थी कि या तो आपके रिजल्ट मार्च के स्टार्टिंग टाइम तक आ जाएंगे और अगर नहीं आए तो ज्वाइंटली रिजल्ट विच इज कंबाइंड रिजल्ट आपके लिए आएंगी। पर यहाँ पे सीबीएसई ऑफिशियल्स खुद सामने आकर अब कह रहे हैं ये जो रिपोर्ट हम डिसमिस करते हैं, कंबाइंड रिजल्ट का डिसमिस कर रहे हैं हम अपना रिपोर्ट, हम ऐसा नहीं करेंगे। टर्म 1 के रिजल्ट के बारे में हम जब तक स्टूडेंट्स को उनकी स्कोर नहीं दिखा दे सकते उसके आगे हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो यहाँ पे साफ एंड क्लियरेंस एंड क्लियर कट दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि टर्म 1 के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं फिर से दोबारा, लेकिन आप सबके इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि इंटरेस्ट तो सीबीएसई ने पहले ही खत्म कर दिया है। एंड इतना डिले करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आखिर बच्ची क्या जाता है, किसके पास क्या रह जाता है। लेकिन एक चीज है कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों देख लो, आखिर आपको टर्म 1 में मर्सी दी गई थी, टर्म 1 में ऐसा कहा गया था आपको कि वहां पे पास और फेल नहीं है, टर्म 1 का कोई मैटर था ही नहीं। लेकिन टर्म 2 मेरे प्यारे दोस्तों, आपका टर्म 2 में आपको कंपलसरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में पास होना होगा जिसमें बहुत ही कम पासिंग नंबर आपको उठाने हैं, और तो और आपको बिलीव होगा भी नहीं, मैंने इसके ऊपर अपने मियां भाई शॉर्ट्स चैनल पे आपको थोड़ी बहुत अपडेट दी है। बट यहां पर भी बता देता हूं कि आपका जैसा कि थ्योरी जो एग्जाम होगा ना 40 मार्क्स का, उसमें से आपको सिर्फ 13 मार्क्स स्कोर करना है पास होने के लिए। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं तो मुझे तो पूरी पूरी कॉन्फिडेंस है मेरे आर्मी पर क्लास 10 12। मानता हूं कि ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है, काफी समय बाद ऑफलाइन होने जा रहा है, ये सडन स्विफ्ट है, आप ऑनलाइन के बाद सडनली ऑफलाइन में आएंगे तो डिफिकल्टी तो होगी, जाहिर सी बात है सबको होती है, आपको भी होगी। लेकिन पैनिक आपको नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है बिकॉज यहां पर आप देख लो टर्म 1 का स्कोर आपके रिजल्ट को बूस्ट करेगा, जो भी आपने टर्म 1 में किए थे उसे कंबाइन जो है उस समय आपका ऐड किया जाएगा। बट सेपरेटली आपको यहां पर अच्छा स्कोर करना होगा। 2 महीना जो टाइम है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है, इन 2 महीनों में आप क्या से क्या नहीं कर सकते। ओनली 40 मार्क्स मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको डर भी है फेल होने का तो 13 मार्क्स आप स्कोर नहीं कर सकते, 1-3, जस्ट 1-3, वो तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते करते उठ जाएगा, है कि नहीं, बोलो ऐसा होगा कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कुछ अर्जेंट अपडेट आप लोगों के लिए कि अब यहां पर फिर से सीबीएसई का एक ट्विस्ट एंड टर्न कि आपका कॉम्बाइंड रिजल्ट नहीं होगा, टर्म 1 सेपरेटली एंड टर्म 2 जो है उन सबके अलग अलग स्कोर आपको बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे एंड इसकी पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिख रही है। हालांकि मुझे कोई उम्मीद नहीं है बट अपडेट के अकॉर्डिंग अगर चले तो थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये सीबीएसई ऑफिशियल्स द्वारा आ रही है। एंड अगर रिजल्ट आएगा तो मे बी इस समय हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बिकॉज आपको स्कोर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस न्यू एनईपी में जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जान लेंगे आपका स्कोर क्या है टर्म 1 का तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा, है कि नहीं, क्या आप थोड़ा बहुत प्लानिंग एंड अकॉर्डेंस से चल सकते हैं। तो एक अर्जेंट अपडेट आप सबके लिए हाल ही में आई हुई कि आप लोग जैसा कि रिपोर्ट आप सुन रहे थे, क्योंकि 2 सिचुएशन सीबीएसई ने रखी थी, या तो हम मार्च तक रिजल्ट दे देंगे और अगर नहीं देंगे तो जॉइंटली रिजल्ट विच इज कॉम्बाइंड रिजल्ट आपको देंगे। पर अब सीबीएसई का निर्णय रहा है, जैसा कि हमारे पास वक्त है 2 महीने का, अभी 26 अप्रैल से एग्जाम होगा तो हम अपनी स्कोर दिखा सकते हैं बच्चों को, तो बहुत जल्द आपके सामने होगा आपका जो भी अगर सीबीएसई देगी तो स्कोर, अदरवाइज रिपोर्ट तो यही कह रहे हैं। तब मिलते हैं अगली अपडेट में, आप अपना ख्याल रखिए एंड मेक श्योर हंसते मुस्कुराते एंड टेंशन फ्री रहे, ऊपर वाले का नाम लेते रहे। थैंक यू so much।